कैसे हम दिमाग को सीधा करें ताकि हम हमारे मुंह को सीधा कर सके, ताकि हम हमारा जीवन सीधा कर पाए। हमारे हृदय से आई हुई बातें मुंह बोलता है और आप जो कहते हैं वो ही अंत में पाते हैं। हमें हमारी समस्या की जड़ तक पहुंचना है। हमारी समस्या की जड़ बहुत बार हमारे विचारों से शुरू होती है। क्या आपने ध्यान दिया है कि जब सुबह आपकी पूरी तरह उठने से पहले आपके दिमाग में युद्ध चल रहा है? शत्रु आपकी आंखें खुलने से पहले ही आपके दिमाग को नकारात्मक चीजों से भर देता है। मैंने हाल ही में एक आदमी की कहानी पढ़ी जिसका जीवन बहुत ही दुखदायक था। उसने किसी को इस सिद्धांत के बारे में कहते हुए सुना और उसने इसे करने का निर्णय किया कि जब वो बिस्तर में सोया हुआ है, उसके उठने से पहले एक तख्ती के बारे में वो सोचेगा और हर सुबह बिस्तर से उतरने से पहले उसके ऊपर 10 चीजें लिखेगा जिसके लिए वो प्रभु से एहसानमंद है। वो बिस्तर में लेटकर ऐसा करने लगा और उससे उसका जीवन बिल्कुल बदल गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो अपना दिन कुछ अच्छे विचारों से शुरू करता था। कभी कभार आपके दिन की शुरुआत कैसे होती है वैसा ही सारा दिन बीतता है। शैतान वो जानते और इसलिए ही वो कठिन परिश्रम करता है कि सुबह प्रारंभ में ही वो हमें बुरे विचारों से भर दे। आमीन। क्या शत्रु आपको सुबह सुबह गुस्सा दिलाने की कोशिश नहीं करता, या यातायात में, या फिर और किसी चीज से, जिससे दिन की शुरुआत होने से पहले ही वो आपको खट्टे विचारों में डुबो सके?